सखिया ने देखा कि पद्मावत की उम्र सियाणी हो गई थी, ब्यावन जोगी। लेकिन पद्मावत ने शादी तो साफ इनकार कर रखा था। एक दिन उसकी सखी समझावन लागी के बेबे, जब कोई लड़की अपने बाप के घर सियाणी हो जा, उसकी ब्याह शादी टेम पर कर दी जा, वाची होया करे। वह पद्मावत मना करने लगी। किस प्रकार से उसकी सखी सहेली उसने के समझाने लगी एक रागनी के माध्यम से, किस प्रकार से शादी करने के लिए कहती है, दादा लक्ष्मी चंद ने के बता दिया बोला के कहने लगी, सियाणी हो जा के जिक्रे शुरू हो जाया करे। पहले नंबर पे के बताने लगी, हो बेटी बाणे घरा ना डटती, बेटी बाणे घरा ना डटती, किसे तो जिक्र मत करो। लेकिन उसके मन में के की बात आया करे, वे हम तने बतावेंगी। दूसरे नंबर पर के बताने लगी, शाबाश, हेर इश्क आगे अगन, मारोगे
दूसरे नंबर पर जिक्र करने लगी कि बेबे जब छोरी बान बिठाई जाया करे, बान बिठा कर उसका खाना पीना अलग कर दिया जाया करे, तने कितने दिन की बान बिठाओगे, तेरे के रंग चा होंगे। तीसरे नंबर पर वो सखी सहेली के समझाने लगी के बताया बरा जी ने 50 रुपए से मान सम्मान किया, तहे दिल से धन्यवाद करते धन्यवाद। आखिरी बात में दादा मांगे राव ने रागनी का तोड़ कर दिया, किस प्रकार से कैसे कहनी तोड़ कराया सुनिएगा कैसे क्या बताया। आड़े आके बरात रुकेगी, आड़े आके बरात रुकेगी, बरस में डेरे हो जाएंगे, यज्ञ अग्नि के आर बारी के।